हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नानक माता साहिब गुरुद्वारा। दूर से ही इसकी सुंदरता और भव्यता आपको यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, तो गाड़ियों के लिए यहां जो है फ्री पार्किंग है। यहां पर आपको पार्किंग का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आराम से आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाके यहाँ पर है शूज हाउस। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं और वो आपको एक टोकन देंगे, और वो टोकन दिखा के वापस आते समय आप अपने जूते चप्पल ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं मेन गेट से अंदर को। तो मेन गेट से अंदर जाते हुए तो यहाँ पर का भी आपको नज़ारा बहुत शानदार दिखाई देगा। बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर सब कुछ है। तो चलते हैं आगे को। अगर नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो ये उत्तराखंड में नानक मत्ता में ये गुरुद्वारा स्थित है, जिसे कि उत्तराखंड के सबसे बड़े गुरुद्वारों में से एक माना जाता है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले आपके सर में रुमाल, कपड़ा या पगड़ी होना ज़रूरी है। ये क्यों है ये सब आपको पता ही है। तो अगर आपके पास नहीं भी है कोई रुमाल या कपड़ा तो यहाँ पर आपको गेट पे मिल जाएगा, और यहाँ पर आप आराम से उसको लगा के आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं। यहाँ चारों तरफ का परिसर बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ है, तो देखने में आपके मन को एक असीम शांति का यहाँ पर अनुभव होगा। तो हम चलते हैं अब गुरुद्वारे के अंदर। हर श्वास करा मेरे प्रीत मांगियो, उसके बाद हम आते हैं बाहर परिसर में। तो बहुत बड़ी एरिया में ये फैला हुआ है गुरुद्वारा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और उस कुंड के अंदर बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर चारों तरफ आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। ये है कुंड, और देखिए इसमें कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ पर तैर रही है। ये देखिए, अगर पानी के अंदर आप देखेंगे हालांकि इसमें अभी इस कुंड में नहाना अलाउ नहीं है अभी। इसके बाद हम चलते हैं अजायब घर में, जो कि एक ऐतिहासिक गैलरी है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐतिहासिक पेंटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपको इतिहास का पता लगेगा कि कैसे मुगलों ने सिखों को परेशान किया था, और उसके बाद सिखों ने कैसे मुगलों को हराया था यहाँ पर। ये सब आपको यहाँ पर इन तस्वीरों से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर ये पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर ज़्यादा वैसी भीड़ है नहीं, तो हम आराम से यहाँ घूम सकते हैं। ये है बाहर का, पीछे की साइड का सारा परिसर। देखिए कितना सुंदर और साफ स्वच्छ ये परिसर है। तो एक बार यहाँ ज़रूर घूमने आए, वो आपको बहुत यहाँ पर अच्छा लगेगा।
ये देखिए कितना सुंदर ये गुरुद्वारा यहाँ पर लग रहा है। मत्ता साहिब गुरुद्वारे आए हैं और यहाँ पर लंगर न खाया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम जा रहे हैं लंगर खाने। तो हम जा रहे हैं गुरु के लंगर में। तो आपको यहाँ पर 24 घंटे आपको ये लंगर यहाँ पर मिलेगा। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर लंगर खाने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप बिना सर पे कोई कपड़े के अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आज कोई खास भी है नहीं, तो हम सब आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको लंगर खाने के लिए यहाँ पर साफ धुली थाली यहाँ पर बर्तन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर यहाँ से आप अपने हाथ से बर्तन लेके लंगर की लाइन में बैठेंगे। तो चलिए लेते हैं गुरु के लंगर का आनंद यहाँ पर आराम से बैठ के। लंगर खाने के बाद आप अपने जूठे बर्तन यहाँ पर खुद धोइए और यहाँ पर खुद धो करके इनको यहाँ पर साफ जगह में रखेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं गुरुद्वारे से थोड़ा सा आगे है नानक मत्ता बावली साहिब। तो यहाँ पर डैम के बीच में है ये, तो यहाँ का भी अपना एक इतिहास है। तो इतिहास ऐसा है कि जब गुरु नानक देव ने अपने भाई मर्दाना से बोला कि पहाड़ों से तुम गंगा को यहाँ पर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने हैं। तो जब भाई मर्दाना जी गंगा लेने के लिए पहाड़ों को चीरते हुए एक लकीर खींच के फावड़े से ला रहे थे, तो यहाँ पर लाके उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, जो कि नानक देव ने बोला था कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो यहाँ पर उन्होंने देख लिया पीछे मुड़ के कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन गंगा आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा यहीं पर रुक गई। तो यहाँ नीचे कुआं है,
कि बहुत सुंदर यहाँ पर नज़ारा है यहाँ का भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ नानक मत्ता साहिब में आप एक बार ज़रूर आएँ, तो यहाँ पर आपके आपको बहुत यहाँ पर अच्छा यहाँ पर महसूस होगा, और आपकी यहाँ मत्था टेकने के बाद आपकी जो मनोकामना है वो भी जरूर पूरी होंगी। तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। अच्छा दो सीढ़ी है ना जी।